देखो जाने से पहले आज के जितने भी कलाकार आए थे, हमारे साजिद भाई, वाजिद भाई, जस्सी भाई, हमारे तेजे, कितने जबरदस्त नीचे जो है स्पेशल फ्लाइट करके यहाँ पे आए, जोरदार उनके लिए कर लेना चाहिए। मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो जब वो आएंगे तो इतना जोर से आप आवाज करना कि फिर कभी हम वापस बुलाए तो फिर आए, ठीक है ना? हमारा भाई स्पेशल 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 रात को कहीं पे प्ले किया, फिर सुबह सुबह उठा, मतलब रात भर सोया ही नहीं, उठा ही नहीं, मतलब अब जाके सोएगा तो शाम को उठेगा। मैं चाहूंगा कि अपनी दो खूबसूरत बातें वो आप लोगों को बताएं, कितना फैंटास्टिक, और सुनना चाहते थे क्या? जो बंद हो गया रिक्शे हो जाएंगे, बंद हो गया तो वापस चालू करवाते एक और आ गया। लव यू चिटेस। मैं हमारे सीनियर इंस्पेक्टर जो भांगुर नगर के, उनको चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपना वो सम्मान ले जाए। मैं एएलएम और विशेष और यहाँ पे मेरे जितने भी सारे कार्यकर्ता, जब आप लोग इंजॉय कर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता आप लोग की सुरक्षा, आप लोग की देखभाल कर रहे थे, जोरदार उनके लिए तालियों का चाहिए। और इतनी जबरदस्त ये फैमिली ग्राउंड यहाँ पे हर साल आता है, हर साल चाहिए, अगले साल चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा के आवाज लगाओ। इसी तरीके से आना, एंजॉय करना, नो ड्रग्स, नो स्मोकिंग, नो पान, नो नथिंग, एकदम जबरदस्त म्यूजिक बनाना। अगली बार हम आप जिसको चाहते हैं उसको स्टेज पे लाएंगे यहाँ से बाहर। एक नाम बताओ जिसको चाहते हैं, एक नाम। सलमान भाई सोच लो, ऐसी बिहेव करोगे ना तो अगली बार सलमान भाई यहाँ पे आते हैं। हर एक बार जो मैं बात करता हूँ उसको पूरा करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ। हमारे सारे लोगों के लिए, जितनी मेरी टीम है, उस सबको बहुत बहुत प्यार। आप लोगों के लिए जरूर एक गाना प्ले करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं चाहूंगा कि बड़े शांति से, जैसे आप लोग आए थे चार संडे, वैसे अभी निकलेंगे हमारे परमिशन में भी 10-15 मिनट बाकी, 10 मिनट पहले खत्म करते हैं ताकि आप इंजॉय करने आए, इंजॉय करके जाओ। सारी जो बच्चियां हैं, सारी जो बहनें हैं, सारी जो महिलाएं हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना यहाँ से जाने के लिए, फिर आप लोग निकलना, एंजॉय करना। आप कितना एंजॉय करोगे ये शो उसके बाद चलते रहेगा। मैं फिर एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप खास करके यहाँ के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट, सारे लोगों का जोरदार ताली लोगों के लिए। अगर ये साथ नहीं देंगे तो अपना काम कभी नहीं होगा। और सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत प्यार मैं चाहूंगा कि भाई है असलम सर के लिए जोरदार गाने हो जाए एवरीबॉडी। लास्ट नंबर, ये आखिरी गाना है, एंड बिकॉज यू फील सो अमेजिंग, दिस इज फ्रॉम डीजे चेतस टू द होल ऑफ मलाड, क्योंकि वी वांट टू से यू, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। जोरदार नाचो मीडिया परिवार, मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यार मैं एक्चुअली आई एम एन अर्ली राइजर, मैं वैसे ही बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत जल्दी उठ के मुझे कहीं आना पड़ा, सो आई एम वेरी हैप्पी। और आई थिंक यहाँ पे लोगों का एंथू देख के आई एम अमेज्ड, बिकॉज मैंने इतनी सुबह इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे। यार मैं वही बता रहा, मैं बड़ा खुश हूँ ये देख के, लोग इतना सुबह सुबह इंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड। मैं सबको बोलता हूँ थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, उठो सुबह, कसरत करो, बड़ा मजा आता है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इतने सारे लोगों में अवेयरनेस आएगी एक इवेंट के थ्रू, आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये लोग जो हैं अगर मिल के इकट्ठे इस अवेयरनेस को फैलाएं, स्प्रेड करें, बहुत अच्छा। तो असलम जी जब आपके पास गए थे इस इवेंट के लिए तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा सिंपल था यार, बिल्कुल हाँ। आई थिंक एक तो असलम जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, और जब मुझे पता चला वो एक ऐसा नेक काम करने जा रहे हैं तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं साथ दूंगा। जी अभी मेरी 28 तारीख को एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हो रही है, फिल्म का नाम है बंजर, एंड अभी फिलहाल वो रिलीज है, आज इंडियन आयल का फिनाले है, और उसके बाद मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, उसके बाद आके बात करूँ। नहीं मैं एक्चुअली देख नहीं पाया अभी तक, हालांकि शाहरुख सर वगैरह सब प्रमोशन पे भी आए थे इंडियन आयल की, तो मेरा मौका नहीं हो पाया जाने का। मेरी कोशिश है मैं आज देखने जाऊँ।
यार ये बड़ा अच्छा मूव है, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री बहुत खुश है एंड थैंक्स है हमारी गवर्नमेंट को जिन्होंने ये बात सोची और इस मुद्दे पे आए। इससे क्या बेनिफिट होगा देखा जाए तो इंडस्ट्री को, 18% होगा 28% से। यार देखो क्या होता है ना, अभी इतनी जल्दी महंगी थी, अब बिल्कुल टिकट सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा सिनेमाघरों में पहुंच पाएंगे। जो भी कहो, बहुत महंगी टिकट हो, बहुत से लोग नहीं जा पा रहे थे, तो आई थिंक अगर पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, टिकट थोड़ी सस्ती होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमाघर में। जो दिया मिर्जा ने जो आरोप लगाया था उससे थोड़ा वो कम हो जाएगी देखा। यार ये आरोपों वगैरह की बातें मैं नहीं करता, मैं पॉलिटिकली नहीं घुसता। उन्होंने जो भी कहा हो, ये डेमोक्रेसी है, हम लोग कोई कुछ भी कह सकता है। सो मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, ना दिया मिर्जा को गलत कहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ देश में अच्छा हो उसकी तरफ सोचता हूँ। किसके बारे में? हाँ हाँ, मैं किसी के कॉमेंट पे ध्यान नहीं देता, मैं बड़ा मस्त मौला आदमी हूँ। कुछ हेल्थ की टिप चाहिए हो मुझे कभी भी फोन नहीं, मैं इन बातों में ध्यान नहीं देता। धन्यवाद। अच्छा जो सॉफ्ट फिल्म आ रही है जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? यार बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा, मैं पहली बार सरदार का रोल कर रहा हूँ एंड काफी इंटेंस रोल है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत सही था और एक्चुअली मैं हैदराबाद से डायरेक्टली फ्लाइट लेके यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं सोया ही नहीं हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा मेरे को सुबह, एंड इतने सारे लोग आए वो मेरे को बहुत शॉकिंग लगे, लोग इतने सुबह उठ के संडे के दिन पे आए, बहुत वेरी गुड फीलिंग, गुड वाइब। तो आज आप किस सोच के साथ आए थे कि डीजे पे लोगों को जुड़ने पे मजबूर करना, या फिर असलम जी जिस तरह से इस मलाड मस्ती के साथ साथ सोशल कॉज मैसेज भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें भी आप जुड़ रहे हैं? दोनों चीज़ है एक्चुअली, असलम जी बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, बड़े भाई है, तो उनके लिए कभी भी दिन हो या रात हो मैं उनके लिए कभी भी आ जाऊँगा, उसका कोई इशू नहीं है। बट जैसे मैंने कहा ये यू नो यूथ का पावर जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, कि लोग बच्चे भी आजकल सुबह उठ के आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, एंड सोशल कॉज भी है, तो इट्स अ पैकेज। एंड यहाँ पे इतना जो वाइब था वो क्लब से बेटर था, टू बी ऑनेस्ट, जो क्लब में बजाते उससे बेटर ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आया मेरे को बजाते। तो न्यू ईयर के लिए किस तरह की तैयारी है? न्यू ईयर तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बॉम्बे में, कलकत्ता में हूँ, कोलकाता में हूँ, सो आई बी देयर इन कोलकाता। और आपके और डीजे के साथ समय के साथ कुछ चेंजिंग आती है आपके डीजे में? हाँ, टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है, बिकॉज जैसे यू नो हर एक जनरेशन को अलग अलग टाइप का म्यूज़िक पसंद आता है, तो टू चेंज विद टाइम, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, जैसे आज से 15 साल पहले जो साउंड चलता था वो आज नहीं चलता है, तो वो ज़रूरी है कोई भी फील्ड में, यू टू चेंज विद टाइम। करीबन इन 4 हफ्तों में करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है आके गए यहाँ पे, और हमारा जो मैसेज था वो मैल न्यूट्रिशन के खिलाफ जो लड़ाई इस बार मलाड़ मस्ती लड़ रही था, कि हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर एक भी बच्चा या एक भी महिला जो है वो भूख से ना मरे, ये एक मिशन लेके मलाड़ मस्ती चली थी। मुझे लगता है काफ़ी हद तक का लोगों ने उसमें साथ दिया है, और साथ ही साथ जो हमारा दूसरा मिशन था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बुरी आदतों में ना पड़े, ड्रग्स में ना पड़े, कोई शराब ना बने, कोई इस तरीके से मावा या गुटखा नहीं खाए, और ख़ास करके जो नई बीमारी है जो इलेक्ट्रॉनिक की, व्हाट्सअप की, फेसबुक की, इससे बाहर निकल के आए, सुबह सुबह इंजॉय करें, एक्सरसाइज करें। मुझे लगता है इतनी कशी तादाद में लोगों ने आके ये बता दिया कि नहीं, वो भी ये मेल न्यूट्रिशन और ये ड्रग्स के खिलाफ जो है हमारे साथ। तो ड्रग्स के खिलाफ जिस तरह से आपने मलाड़ मस्ती के थ्रू सारे लोगों को मैसेज दिया, तो ये मलाड़ मस्ती के बाद आप लोगों को और कैसे मैसेज देने की कोशिश करेंगे? देखिए ऑनलाइन इतने सारे स्टार्स आए, इतने सारे सेलिब्रिटीज आए, इतने सारे सिंगर्स आए, ये सब लोगों ने अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक पे, अपने सब जगह ट्वीट किया है, तो उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले ज़रूर इस बात को मानेंगे। अगर हमने 10-20-50% भी इसमें यश पा लिया, तो मुझे लगता है कि देश की उन्नति और देश के जवानों को बचाने में बहुत बड़ा हाथ होगा। तो मलाड मस्ती के लिए सभी सेलिब्रिटी को एक साथ यहाँ मंच पर इकट्ठा करना ये मुश्किल है, या फिर उन लोग भी सोशल कॉज के लिए जुड़ने के लिए? देखो चीज़ अच्छी हो, कॉज अच्छी हो, तो लोग कहीं भी आ जाते हैं, कहाँ भी आ जाते हैं, और ये तो एक जंग जो है ड्रग्स के खिलाफ है, मेल न्यूट्रिशन के खिलाफ है, पूरा देश जो है इसमें साथ में खड़ा होना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है सब चले आते हैं, आप भी चले आए, सारे प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। फोर वीक सुबह मॉर्निंग में सबको उठने की आदत हो गई है, तो असलम जी का नेक्स्ट संडे किस तरह से होता है? मैं तो चाहूँगा कि ये उठ गए सुबह सुबह तो अब जिम जाना चालू करेंगे, जिसको क्लासेस जाना हो क्लासेस जाएंगे, कोई योगा जाएगा, कोई पिलाटे जाएगा, कोई जुम्बा जाएगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई कराटे करेगा, स्केटिंग करेगा, बॉक्सिंग करेगा, दुनिया भर का सारा आजकल के नए दुनिया भर के फाइट्स आ गए, दुनिया भर के नए ट्रेंड आ गए, अपने आप को लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें। नया साल 2019 में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं नए साल में तो यही चाहूँगा कि देश में जो है बहुत ज़्यादा प्यार बटे, जिस तरीके से इस मलाड़ मस्ती में सारे धर्म के लोग, सारे नौजवान, खास करके इस मलाड़ मस्ती में जो है 70% से ज़्यादा वो तबका आ रहा है जो आगे चल के देश का भविष्य बनने वाला है, और वो अगर एक दूसरे के साथ इसी तरह मेल
कि अगर अच्छे रहेंगे एक दूसरे की, जो नफरत की जो एक आंधी पूरे देश को घेरे हुए उसको काटते हुए आगे निकल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर से जो है यहाँ पे खुशी और सब लोग खुश हो। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना जीत की लहर लाई कराई है, उस लहर को लेकर कितनी खुशी है असलम जी, और आने वाले चुनाव के लिए आप कैसे तैयार हैं? देखिए, इस देश की जनता को खुशी चाहिए, इस देश की जनता शांति से रहना चाहती, तरक्की करना चाहती है, नौजवान जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं, जो भी झूठी बातें करेगा वो ऐसे करके आस्ते आस्ते देश के जो प्लेटफॉर्म उससे खत्म हो जाए। ओके, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता हूँ। मैं एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है हमारा, जिसे हम कहते हैं माइंड स्पेस ALM। यहाँ की 36 सोसाइटीज़ हैं जो सब मिलके एक साथ एक फैमिली की तरह रहती हैं, और हम सब मिलके हम लोगों को सिविक अवेयरनेस, पब्लिक, काफ़ी सारी जो हमारे दिनचर्या की चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि चाहे वो क्लीनलीनेस ड्राइव हो, चाहे वो ग्रीन ड्राइव हो, चाहे वो सेव द यू नो यूथ फ्रॉम ड्रग्स हो, ये सारे कैंपेन हम करते हैं। अब ये जो ओरिजिनल थॉट है वहाँ से हमने शुरुआत किया था और आज हम यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये मलाड मस्ती जो इवेंट है, चार संडे जो होते हैं हमारे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हम यहाँ लोगों को इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कराते हैं और साथ में बहुत सारा सिविक अवेयरनेस मैसेज देते हैं। आप यहाँ पर 80-90 एक्टिविटीज़ देखते हैं इस पूरे बैक रोड पर। हर एक्टिविटी के पीछे एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मैसेज होता है जो घर ले जाएँ और अपने जहन में ध्यान रखें और इस देश को और इस समाज को बेहतर कर सकें, और उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, और बिना किसी को कोई तकलीफ हो, कोई एक्सीडेंट, कोई मारामारी या कोई तकलीफ ना हो, ऐसा मैनेज करने में हमें ऑफकोर्स मुंबई पुलिस एंड ट्रैफिक का बहुत मदद रहता है, हमारे चहेते नेता और जो लोग हैं सारे टीम है वो सब। लेकिन जो माइंड स्पेस नेटवर्क और लोगों को वॉलंटियर करके उसको एक साथ लेके एकजुट एक टीम बनाने में जो मदद की है, ये एकदम सराहनीय है। तो सोशल कॉज से जुड़ के जब कोई मलाड मस्ती या फिर कोई भी इवेंट, उसके लिए आप किस तरह से आगे बढ़कर आते हैं और इस तरह के इवेंट होना चाहिए लोगों के बीच में अवेयरनेस के लिए? क्या होता है कि जब घर में बैठे हैं लोग और परिवार, और जो परिवार घर में बैठ के ये सोचते हैं कि हम टीवी देखें, मॉल जाएं, घूमें फिरें, हम चाहते हैं कि परिवार बाहर और फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें, और हम चाहते हैं कि हर इंसान ये सोचे कि वो अपने शरीर का, अपने आप द्वारा, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का कैसे भला करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कचरा को कैसे आपको सेग्रीगेट करना है, छोटी चीज़ें हैं जो म्युनिसिपैलिटी इतनी मेहनत कर रही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि लोगों को एक साथ बुला के गार्डन तक पहुंचाना। यहाँ पर जो इस एरिया में आप जो देख रहे हैं इतना ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि 30,000 ट्रीज एक सेशन में हम लोग यहाँ पर माइंड स्पेस ALM द्वारा हम यहाँ पर लगाया जाता है और ये एक चीज़ की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रीन लंग। यहाँ पर जो एंटी सोशल एक्टिविटी होती थी, रेसिंग, ड्रग्स में, ये सारी चीज़ की अवेयरनेस एक्टिविटीज हम करते हैं। यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं आसपास में, इनऑर्बिट इन्फिनिटी जैसे, वहाँ हम कैंपेन करते हैं जहाँ हम यूथ को अवेयर करते हैं कि भाई ड्रग्स ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर को और देश को खोखला किए जा रही है, तो उसे कैसे रोका जाए और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और यदि आपका कोई दोस्त इसमें ग्रस्त है और परेशान है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए। हम डॉक्टर्स को, पुलिस को, स्वयंसेवक को, पॉलिटिशियंस को एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी को साथ में लेके ये एक्टिविटीज़ करते हैं। राइट, एज फार एज वी आर कंसर्न, वी हैव बीन प्लानिंग दिस ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 3 months नाउ, एंड नवंबर डिसंबर एंड एब्सोल्युटली रोलर कोस्टर ड्राइव कम्प्लीटली, ब्रिंगिंग इन सो मेनी पीपल, मैनेजिंग दम, मैनेजिंग ऑल दिस एक्टिविटी। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल्स वर्क, इट इज़ द एंटायर टीम विच परफॉर्म टुडे, द कल्मिनेशन ऑफ वॉट एवर यू सी टुडे, इट इज़ अ टीम। तो रोज़ सुबह उठ रहा हूँ फर्स्ट क्लास, बट मलाड मस्ती में आने का स्पेशल एक्सपीरियंस था, स्पेशली द वे दे हैव अरेंज्ड इट, इट्स ऑसम, असलम भाई टीम एंड दे हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब, और इतने लोग इतने सुबह सुबह देखना अब इटसेल्फ में एक बड़ा एक्साइटिंग होता है, सुबह सुबह बड़ा मजा आया, गुड फन। नहीं, मुझे लगता है कि इस टाइप की चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, सोशल कॉज होने चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी नहीं, अवेयरनेस बढ़ाने की इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और सुबह सुबह सब उठ के दे हैव सो एनर्जेटिक एंड दे कम एंड ईच एंड एवरी प्लेस इज आज, चाहे फिर वो अंधेरी हो, चाहे मलाड हो, चाहे गोरेवली हो, सब अपना ही तो है, टाउन से लेके यहाँ तक जितना हम अच्छा बनाएंगे हमारे ऊपर है। आई थिंक मलाड इज डूइंग ग्रेट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू कम टू मलाड, वेन एवर आई पास बाय फ्रॉम हियर I really enjoy. So the kind of development is happening in Malad is awesome. Newcomer singers के लिए क्या advice है आपके सर? ये कौन सा सवाल था?
न्यू कमर सिंगर्स के लिए क्या एडवाइस है यार, आजकल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, पुराने गाने फॉलो करो, अगर अच्छा प्लेबैक सिंगर बनना है तो यू शुड फॉलो लता जी, रफी साहब, किशोर दा, आशा जी, मुकेश जी, इन सबको अगर फॉलो कर लिया तो अपने आप सिंगर बन जाओगे। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी खबर आ रही है, 28% टैक्स कर दिया गया है सर, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, अभी मेरे को मलाड मस्ती की बात करनी, प्लीज मलाड मस्ती के बारे में पूछो, और कोई सवाल है? आई थिंक असलम भाई एंड हिज टीम, ऑल द गाइस, दे हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब, एंड हैट्स ऑफ टू देम, तो थ्री चीयर्स फॉर देम, ओके, टेक केयर।